हाय, वन पीस का चैप्टर 1058, हद सेक्स चैप्टर। इंट्रो देख के थोड़ा मधुर ध्वनि सुन लो, फिर मेरी फटी हुई आवाज भी तो सहना है। लेट्स बिगिन। ओके, सो सारे स्ट्रॉ हैट्स का बाउंटी हमें बता दिया गया है। अब कुछ लोगों को ये बाउंटीज कम लग सकती है, वो प्लीज़ मेरा ये वाला वीडियो देखें। मैं तो पर्सनली बहुत खुश है इन बाउंटी से। फ्रैंकी के बाउंटी पे बीसी सन्नी का फोटो लगा दी गवार वर्ल्ड गवर्नमेंट। लॉल भाई। एक और जो चीज़ मुझे बहुत सही लगा वो ये है कि नरेटर चीचा ने सारे स्ट्रॉ हैट्स को 9 कमांडर्स बोला। साउंड्स नाइस। एक एम्परर और उसके 9 कमांडर्स। सांजी जोरो एज ऑलवेज फनी हरकतें करते हुए दिखे। लूफी को देख के क्या ही बोले भाई। हाँ, कोई फालतू बात मत करना, ठीक है? कि भाई देख, जिम्बे ने नामी को देख के कॉन्करर्स हाकी बोला, नामी का फ्यूचर में कॉन्करर्स हाकी दिखेगा, ओडा का फोरशेडोइंग है ये, ऐसा वैसा। चुप, शट द फक अप। गैग है ये, ठीक है? हर जगह ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? ऐसे दिमाग लगा के ही कुछ लोग बोल रहे थे कि बग्गी अपनी रियल स्ट्रेंथ छुपा रहा है। हाँ भाई, यार भी लगा जोर से चैप्टर। किडिंग, ठीक है? ऑफेंड मत हो जाना कोई। आई एम जस्ट हैप्पी कि मेरा पूरा प्रेडिक्शन इस वीडियो का परफेक्ट हो गया। लमाओ, आई एम हैप्पी। बग्गी एज यूजुअल फटवा जैसे हरकतें करते हुए दिखा है इस चैप्टर में भी, जो कि एज ऑलवेज मस्त लगा। क्यों बग्गी योंको बना और क्यों वो क्रॉस गिल्ड का भी लीडर बना पता चल गया हमें इस चैप्टर में। वैसे बहुत लोग बोल रहे थे कि बग्गी गलती से योंको नहीं बन सकता, मतलब बनना नहीं चाहिए एटलीस्ट, फिर योंको टाइटल की कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। वेल, मिहॉक क्रोकोडाइल तुमसे अग्री करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मिहॉक मरीन हंटर। हाँ, नाइस टाइटल। एक चीज़ जो कंफर्म हो गया वो ये है कि मिहॉक इज़ बेटर देन शैंक्स इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। हॉकी में शैंक्स बेटर होगा शायद, बट स्पोर्ट्समैन मिहॉक ही बेटर है। तो जो लोग बोलते हैं कि शैंक्स मिहॉक से स्ट्रॉन्ग है, ये लो आंसर मिल गया। लेकिन एक फाइट में स्किल्स के साथ हॉकी भी बहुत मैटर करता है, तो इट्स स्टिल पॉसिबल कि शैंक्स हॉकी के मामले में मिहॉक से बेटर हो और ओवरऑल भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही हो बेटर हॉकी की वजह से। तो जो लोग बोलते हैं कि मिहॉक शैंक्स से स्ट्रॉन्ग है, ये लो मेरा आंसर। मिहॉक क्रॉस गिल्ड क्यों ज्वाइन किया? ताकि मरीन्स उसको उंगली ना करे। साउंड्स लाइक मिहॉक। बाउंटी मिहॉक का सही लगा मुझे, कंसिडरिंग कि कुछ टाइम पहले तक उसका बाउंटी फ्रीज्ड था। 3.59 बिलियन इज़ अ ग्रेट बाउंटी। इट शोज़ हाउ मच ऑफ अ थ्रेट वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन इज़। इतना ज़्यादा बाउंटी ऐसे बंदे के ऊपर जो कि इंटरेस्टेड भी नहीं है कुछ करने में। इम्प्रेसिव। आई एम हैप्पी कि क्रोकोडाइल के अराउंड भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा रिवॉल्व किया। क्रोकोडाइल मुझे पर्सनली बहुत मस्त लगता है, डेफिनेटली वन ऑफ द अंडर अप्रिशिएटेड कैरेक्टर। वेल, क्रोकोडाइल इज़ द एक्चुअल ओरिजिन ऑफ क्रॉस गिल्ड। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दिए, मिहॉक क्रोकोडाइल के साथ हाथ मिलाया ताकि कोई उसको उंगली ना करे। लेकिन क्रोकोडाइल क्यों हाथ मिलाया मिहॉक से? ही मस्ट बी प्लानिंग समथिंग बिग, राइट? क्रोकोडाइल का बाउंटी भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लौंडा डिजर्व करता है इतना बाउंटी। क्रोकोडाइल का बग्गी के साथ पूरा गैग दिखा है, मस्त। मिहॉक भी जिस वे में उस गैग में पार्ट लिया, बहुत सेक्स। कमिंग बैक टू बग्गी, तो जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था, उसका बाउंटी एक्चुअली में लूफी से ज़्यादा है। लबाओ, 3.189 बिलियन। उफ मूर्ख वर्ल्ड गवर्नमेंट। वैसे एक चीज़ और ध्यान दिए, मिहॉक ने बोला कि उसको योंको बनने में इंटरेस्ट नहीं है जब तक उसको कोई उंगली नहीं करता। लेकिन अगर बग्गी नहीं होता तो शायद मिहॉक या क्रोकोडाइल योंको बनते, एंड अगर क्रोकोडाइल नहीं बनता तो मिहॉक तो बनता ही ना, क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है लेकिन कोई प्रॉब्लम भी नहीं है योंको बनने से। इस पूरे सिचुएशन को देख के मुझे तो ऐसा ही लगा। एनीवेज, आई एम हैप्पी कि बग्गी ही न्यू योंको बना। योंको के टाइटल को भी कबाड़ा कर दिया उसने, मस्त। होप्स कि हमें आगे भी इन तीनों का कुछ बड़ा हरकतें दिखे। इन सब के अलावा और क्या बचा है? साबो वाला सीन आई गेस, बस, राइट? वेल, कुमा अभी भी पहले जैसे एक्ट कर रहा है, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। लमाओ, ड्रैगन का वे ऑफ थिंकिंग मुझे थोड़ा रिटार्डेड लगा, बट ऐसा हो सकता है कि शायद कोबरा ड्रैगन का दोस्त था इसलिए वो साबो के किसी भी रीज़न को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। साबो कॉल तो किया है, बट व्हाट द फक, ये मरीन्स कैसे इनका कॉल टैप कर रही है? डू दे नो द करंट लोकेशन ऑफ रेवोल्यूशनरीज? अगर हाँ तो वर्ल्ड गवर्नमेंट कुछ करेगी भी इनके अगेंस्ट? कहीं ऐसा तो नहीं कि रेवो में कोई ट्रेटर है? मे बी। वैसे मुझे तो वो चूहा दोगला लगता है, बट देखते हैं आगे क्या होता है।
नेक्स्ट वीक ब्रेक है, साबो क्या बोलने वाला है अब मुझे जानना है। लूफी लोग अब कौन से आइलैंड में जाएंगे और उधर क्या होगा ये भी मुझे जानना है। एंड ऑब्वियसली क्रोको बॉय, मीहॉक एंड बग्गी सामा की हरकतें तो देखना ही है। क्रोकोडाइल से मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, मेरे एक्सपेक्टेशंस उसके लिए बहुत ज़्यादा है। कुछ बढ़िया हरकतें करते हुए दिखेगा तो मज़ा आएगा। एंड दैट्स इट, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं कब डालेगा। मैं टॉप 10 बनाने का सोच रहे हैं मैं, तो अब नेक्स्ट वीडियो में ही आवाज़ सुनने मिलेगी। तो बाय बाय।